These are some rules, okay, जिनको आपको दिमाग में रखना होगा, and they are very much important, because अगर आप नहीं इसका पालन करोगे या follow नहीं करोगे, तो error होगा, okay? So first rule is that alphabets and numbers can be used as variables, okay? This was simple, समझ में आ गया होगा आपके कि alphabets और numbers आप वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हो, वेरिएबल नेम की तरह यूज कर सकते हो. सेकंड, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी एन अल्फाबेट, यानी कि ए बी सी डी ए टू जेड कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, बट नंबर नहीं चलेगा. फर्स्ट कैरेक्टर आपका वेरिएबल ही होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, नो स्पेशल सिंबल इज अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर. अंडरस्कोर क्या होता है? नीचे वाला जो आप अंडरलाइन करते हो, एक तरीके से छोटा सा नीचे वाला अंडरलाइन, उसे अंडरस्कोर कहा जाता है. आप देखोगे अपने कीबोर्ड पे, जहाँ पे आपके अल्फाबेट्स के ऊपर 1 2 0 उधर रहेगा, और उसके बाद डैश रहेगा, फिर इज इक्वल टू रहेगा, फिर उसी के साथ साथ आपको अंडरस्कोर भी दिख जाएगा. ओके, कभी कभी होता यह है कि डैश और अंडरस्कोर में आप शिफ्ट दबा के अगर डैश बटन दबाओ तो अंडरस्कोर लगता है, नहीं तो अगर आप बिना शिफ्ट दबाए डैश वाला दबाओ तो नेगेटिव या डैश का साइन जो भी आप कह लो वो लगता है. ठीक है. फोर्थ, अंडरस्कोर कैन नॉट बी यूज्ड एज फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, यानी कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते. जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाय, नहीं ये गलत है. ठीक है. या फिर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया हेलो हाय, तो ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि यहां पे होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए यहां पे स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर. ठीक है. What is an error? Error क्या होता है? हम लोग कई बार ये टर्म यूज करते हैं बट स्टिल वी डोंट नो, बिकॉज हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. कैसे भी कंफ्यूज होते हैं कि एरर किस तरीके का है. सो फर्स्ट वी लर्न वॉट इज एरर. किसी भी प्रोग्राम में गलत रिजल्ट आए तो वो एरर कहलाता है. ओके. In a program, the occurrence of incorrect or unexpected result is known as error. So that you have learned what is an error, get to know what are the types of error. कितने प्रकार के या कितने टाइप के एरर होते हैं. तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो हम लोग के पास आता है सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर. एरर को आप प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज जब मैं जावा पढ़ाऊंगा आपको तो एरर, ठीक है मैं आपको बता दूंगा क्या होता है कैसे होता है, बट अगर आप पहले से दिमाग में रखे रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी एरर समझने में. ओके. सो सिंटैक्स एरर, जैसा कि हम लोग जानते हैं व्हाट इज अ सिंटैक्स. तो सिंटैक्स होता है जो हमारा हम मेन कोड प्रोग्राम में यूज करते हैं उसे सिंटैक्स कहते हैं, और जो एरर उससे निकलती है, गलती करते हैं जो हम लोग सिंटैक्स लिखने में या कोड लिखने में, वो सिंटैक्स एरर कहलाती है. तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो आप नोट करिए, इट अकर्स व्हेन द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्राम डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेजेस. They are easy to find and rectify as computer helps to find them. जो syntax error मेरी आती है वो computer help करता है find करने में error को. Okay? जैसे अगर मान लीजिए कि
कि मैं इस तरीके से लिख दूं, ये सिंटैक्स एरर का एग्जांपल है। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया प्रिंट, ठीक है, तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि सही जो है इसका वो ये है, प्रिंट। तो ये कंप्यूटर हम लोग को एरर देके बता देता है कि देखो भाई सही ये है, आपने ये लिखा है, आप इसको ये लिखो तब जाके आपका प्रोग्राम काम करेगा। सो दिस इज नोन एज द सिंटैक्स एरर। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर देखिए होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, उसके फॉर्मूले बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, मेथड्स उसके बनाते हैं कि किस तरीके से काम करने हैं, तो उसमें जो हम लोग गलती कर देते हैं वो है लॉजिकल एरर। क्या मतलब? जैसे अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब ये है सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, लेकिन आपने प्रोग्रामिंग में क्या गलती कर दी, आपने उसके पीछे कोडिंग लिख दी सम इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, तो ये तो एरर हो गई ना। मतलब कि आपने सम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिख दिया, तो ये तो गलती हो गई। तो इस तरीके की गलती को हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉजिक कहलाता है। लॉजिक यानी कि हम उसमें क्या अपना दिमाग लगा के क्या फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या मेथड लगा रहे हैं, क्या फंक्शन लगा रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अगर मान लीजिए सम यूज करना है मुझे, ये मैंने माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, तो ये हम लोगों ने गलत ऑपरेटर यूज कर दिया, तो ये सम तो है नहीं। सम क्या है? अगर हम लोग प्लस यूज करें यहाँ पे तो ये सम है, दिस इज करेक्ट, लॉजिकल एरर नहीं होगी तब, ठीक है। तो लॉजिकल एरर तब हमारी आती है जब हम लोग गलत तरीके से फॉर्मूला लिख देते हैं, गलत तरीके से फंक्शन बना देते हैं, गलत तरीके से मेथड्स बना देते हैं, जो भी कह लीजिए आप, तो वहां पे जो एरर आती है वो लॉजिकल एरर कहलाती है। सो ये हमारी एरर्स हो गई। ओके